कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खुश होंगे और अपने अपने घरों में सलामत होंगे। हम भी यहाँ खुश हैं और अपने घर में सलामत हैं। आज मैं आपके साथ एक रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। ये जो ऑरेंज पील पाउडर मैंने आपको बनाना सिखाया था और फिर मैंने इसको फ्रीज कर लिया था, तो आज उसके लिए मैं फेस का मास्क बना रही हूँ। तो मैं ये अपने लगा रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको आपके साथ शेयर कर दूँ। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब ये ऑरेंज पील पाउडर। फिर इसको बंद करके मैं वापस फ्रीजर में डाल दूँगी। आप देखिए इसका कलर बिल्कुल ऑरेंज है, मैंने इसमें कोई भी कलर नहीं डाला, ये बिल्कुल रियल ऑरेंजेस का है। मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया था तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ ले रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून के करीब शहद। ठीक है ना, तो अब मैंने इसमें 1 चम्मच शहद मिलाया है। ठीक है, अब मैं इसमें 1 चम्मच ही दही डालूंगी। मैं स्पून लेके आती हूँ। तो मैंने क्या करा, ऑरेंज पील पाउडर को, योगर्ट और हनी को अच्छे से मिक्स करा। आपने भी यही करना है, इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और फिर अपने फेस पे, नेक पे, हाथों पे जो बच जाए उसे अच्छे से अप्लाई करना है जहाँ जहाँ आप चाहते हैं। ठीक है, और 1 घंटे लगा रहे हैं। 1 घंटे के बाद आपने क्या करना है, कोई भी टोनर मुंह वॉश करना है, उसके बाद किसी भी टोनर का स्प्रे मुंह पे कर लेना है। ठीक है, और उसको टैप टैप करके अपनी स्किन के अंदर जस्ट करना है और फिर आप देखेंगे कि आपकी स्किन कितनी ग्लोई और फ्रेश हो गई है। सही है, तो अब आपसे मुलाकात होगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपने रखना है अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़। देखिए मैंने 1.5 घंटे उस मास्क को अपने फेस और हाथों पे लगाया और आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। मतलब आप मेरी कलाई देखें और मेरा हाथ देखें तो आपको कलर में थोड़ा सा फ़र्क, ग्लो ही जो है ना वो मेरी कलाई है, वो सॉरी मेरा हाथ है, कलाई नहीं है, कलाई थोड़ी डिम साइड पे है। तो मैं आपको अपना दूसरा हाथ दिखाती हूँ। देखें मेरी जो कलाई है वो थोड़ी ब्राउन की तरफ है, सही, और जो मेरा नीचे का पोर्शन है हाथ वो थोड़ा ग्लोई है। मैं क्लोज कर दूँ तो आप देखिए आपको 2 शेड नज़र आ रहे होंगे। खैर आप भी ये मास्क डेली अप्लाई करें, आपको आपकी स्किन फ्रेश ग्लोई मिलेगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।